हेलो गाइस, वेलकम टू केडी इलेक्ट्रॉनिक्स। तो आज मेरे पास ये केरला का पार्सल था 350, और इसमें वाइट लाइट आ रही थी, डिस्प्ले नहीं आ रहा था। इससे पहले शायद बोल रहे थे हेलो आ रहा है, उसके बाद फिर इसमें रेड लाइट वाइट लाइट आ रहा था, उसके आगे ना तो डिस्प्ले आ रहा था ना कुछ नहीं आ रहा था। तो इसको कैसे मैंने रिपेयरिंग किया और कहाँ पर क्या प्रॉब्लम था मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पर, तो गाइज आप देखिए यहाँ पे इसका मेन आईसी है, किसी ने इसमें छेड़ा था आईसी में। इसमें आपको बताता हूँ को क्या फॉल्ट रहता है जो डिस्प्ले आता है, और ये सर्विस सेंटर से, वैसे सर्विस सेंटर से रिटर्न पीस है ये। तो उन्होंने कुछ मदरबोर्ड डालने का एस्टिमेट दिया था, और मैंने इन्हीं का मदरबोर्ड डाल दिया। देखिए मैंने रैम आईसी भी इसका डाला हुआ है, ठीक है। रैम आईसी ख़राबी था, और उसके अलावा जो डिस्प्ले नहीं आ रहा था उसका भी मैं आपको बताता हूँ क्या फॉल्ट था इसमें। अभी एकदम परफेक्ट चल रहा है, आवाज़ भी सुन लीजिए। सब पूरा स्पीकर बज रहा है, एकदम कंप्लीट एकदम कंडीशन में बोर्ड था ये। कंपनी वाले ने इसकी मतलब देख लीजिए रहना चाहिए। तो आपको क्या चेक करना है इसमें, जो ये नहीं आएगा डिस्प्ले, जो वाइट लाइट आएगी वो डिस्प्ले नहीं आएगा। आपको यहाँ पे सप्लाई चेक करना है, यहाँ पे 3.3 गाइस। इसमें देखिए यहाँ पे सप्लाई चेक करना है आपको, इस पर ये इसके कनेक्टर है, ये अपना डिस्प्ले का कनेक्टर है, जो यहाँ पे आपको सप्लाई चेक करना है। 3.3 वोल्ट सप्लाई आएगा, अगर 3.3 वोल्ट सप्लाई नहीं आ रहा तो आपका डिस्प्ले नहीं आएगा, ठीक है। और यहाँ जो सिस्टम आईसी से भी सप्लाई निकलता है 3.3 वोल्ट, वो सप्लाई भी आगे नहीं बढ़ेगा तो भी आपको ये डिस्प्ले की लाइट का प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। एन आपका जो सेकेंड है, ये मेन आईसी है, मेन आईसी का ये साइड में आप ड्राइव रही रहेगा तो जहाँ तक है हो जाता है, ये ड्राई रहेगा तो भी ऐसा हो जाएगा। एंड कभी कभी आईसी भी उड़ता है, अगर कोई उंगली करेगा तो ये आईसी भी ख़राब हो जाएगा। जैसे ड्राई मारा, ये ऐसा डिस्प्ले नहीं आ रहा इधर ड्राई, ये साइड में ड्राई पेस्ट लगा के अच्छे से ड्राई मारना है ये आईसी पे, तो आ जाए। लेकिन हो सके तो स्पेशलिस्ट को ही दिखाओ जिससे जो कर सके, क्योंकि अभी एक बंदे ने लेके आया था मेरे पास, ये पूरा आईसी निकाल के लेके आया था, पूरा ट्रैक उखाड़ दिया। ट्रैक उखाड़ दोगे उसको लगाने में बहुत प्रॉब्लम होता है, आपको ज़्यादा लंबा खर्चा हो जाएगा। हम लोगों को कितना बहुत ज़्यादा लगा, तो 5 मिनट लगेगा ये रिपेयरिंग करने में, ये आईसी निकाल के बिठाने में, ये आईसी निकाल के बिठाने में 5 से 10 मिनट लगेगा, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। लेकिन जिसको नहीं पता, आप किसी को भी दिखाओगे तो वो ट्रैक उखाड़ देगा, फिर बाद में आपको खुद ही ज़्यादा पड़ेगा, ठीक है। और गाइस एकदम कम्प्लीट, आप देख लीजिए सीडी चल रहा है, ये एकदम कम्प्लीट रेडी हो गया ये, तो आज इनको क्लियर भी कर देना है। एंड गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, एंड थैंक यू सो मच। मैं इसका फ्रंट भी दिखा देता हूँ, देखिए एकदम कंप्लीट चल रहा है, और ये फ्रंट। थैंक यू भाई।